नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस अंडरवर्ल्ड डॉन की वाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके कहने पर अश्विन नायक अपने भाई के रास्ते कदम पर चल पड़ा। उसको धोखा देना पड़ गया भारी। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है नीता नायक की। नीता नायक से पहले अश्विन नायक लॉरेन नाम की लड़की को डेट कर रहा था। वो उसके साथ एक दिन बीच पर था। वो वहाँ क्या देखता है कि एक लड़की ने वहाँ बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। उस लड़की का नाम था रीटा पंजाबी। वो वहाँ पेंटिंग बना रही थी। अश्विन रीटा के पास जाता है और उसको सजेस्ट करता है कि यहाँ इतनी ज्वेलरी पहनना उसके लिए सेफ नहीं और कभी भी उसको लूटा जा सकता है। उन दोनों में बातें होने लग जाती है। अश्विन से बात कर वो लड़की अश्विन पर आकर्षित हो गई। वहीं अश्विन भी उससे बात करके खुश था। कहते हैं दोनों में इतनी बनने लगी थी कि रीटा ने अश्विन को लंदन की टिकट तक भेज दी थी। दोनों ने बहुत चाहा कि उनका रिलेशनशिप अच्छा और बरकरार रहे, लेकिन जल्द उनको एहसास हो गया कि उन दोनों का तौर तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। आपको बता दें, रीटा पंजाबी आधी भारतीय थी और आधी लेबनीज थी। अश्विन रीटा दोनों में सांस्कृतिक अंतर थे। अंत में दोनों ने अलग होना ही ठीक समझा। बताया जाता है रीटा का जिक्र आते ही अश्विन की आंखें नम हो जाती है। आज भी अश्विन को रीटा के साथ बिताए पल और बातें याद हैं। कहते हैं नीता की मुलाकात अश्विन से तब हुई जब अश्विन अपने दोस्तों के साथ एल्फिनस्टेन कॉलेज में घूम रहा था। नीता सोफिया कॉलेज में पढ़ा करती थी। दोनों अश्विन और नीता के फ्रेंड्स कॉमन थे। नीता के बारे में कहा जाता है कि वो मैगी जिनलहाल की तरह दिखती थी। पहली मुलाकात में अश्विन और नीता एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। अश्विन की साधारण पर्सनैलिटी नीता को पसंद थी। अश्विन ईमानदार व्यक्ति था, तो इसी को देखकर नीता अश्विन की तरफ खिंचती चली गई। दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। अश्विन ने रीटा पंजाबी को भुला दिया था। अश्विन को फिल्म्स देखने का बहुत शौक है। अश्विन और नीता ने एक साथ कई फिल्में देखी। नीता रूढ़िवादी गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती थी। नीता के पिता का नाम हरिलाल जेठवा था। जल्द ही नीता और अश्विन ने साधारण तरीके से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि अपराध एक गंदा नाला है, उनको इसमें कभी भी घसीटा जा सकता है। वो अपनी जिंदगी में गलत कामों की परछाई तक पड़ने नहीं देना चाहते थे। वो एक सेफ जगह जाकर रहना चाहते थे। उन्होंने चेन्नई और बेंगलोर जैसे दक्षिण शहरों में जाकर रहना जरूरी समझा। 1992 को जब अश्विन और नीता अपने बेंगलोर ट्रिप से मुंबई लौट रहे थे, तो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए गाड़ियां आती है। गाड़ियों में बैठ अश्विन और उसकी पत्नी एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। एक कार में अश्विन अपने कजन्स और दोस्तों के साथ था, तो वहीं दूसरी कार में नीता अपने फादर इन लॉ के साथ थी। नीता नायक ने सबसे पहले खेरवाड़ी जंक्शन पर कुछ आदमियों को देखा था। आपको पता ही है, खेरवाड़ी जंक्शन वेस्टर्न एक्सप्रेस सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है। एक तरफ निर्मल नगर और सरकारी कॉलोनी है, तो दूसरी तरफ चेतना कॉलेज है। यहाँ पर आकर गाड़ी स्लो हो जाती है और इसी दौरान नीता नायक की नजरें शूटर्स पर जाती है। कुछ लोग बाइक से उतरे और कुछ गाड़ियों में से। हमलावरों के हाथों में पिस्टल थी और वो लोग तेजी से अश्विन की गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। घबराते हुए नीता नायक तुरंत अपनी कार से बाहर निकलती है और मदद के लिए चिल्लाती है। लोगों को नीता नायक ने मदद के लिए पुकारा। वो हमलावरों से पहले अश्विन नायक की गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश करती है। हमलावर नीता और उसके ससुर को देखकर चौंक जाते हैं। सिग्नल हरा हो जाता है, गाड़ियां चलने लगती हैं। शूटर्स उस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अश्विन की गाड़ी पर अंधाधुन फायरिंग करनी शुरू कर दी। तो तभी अश्विन नायक कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ता है और एक खड्डे में जाकर गिरता है। कहते हैं नीता नायक वहां से गुजरती गाड़ी वालों से मिन्नतें कर रही थी। हमलावर तेजी से अपनी कार और बाइकों पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस सूचना मिलने पर वहां पहुंची। अश्विन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। कहते हैं ये हमला डी कंपनी के लोगों ने किया था। इस इंसिडेंट के बाद से नीता के अंदर डर बैठ गया था। बेंगलोर से लौटते समय वो बेहद खुश थे। उस घटना के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो मुंबई को छोड़ कहीं और बस जाएंगे। वो पुलिस और माफियाओं से तंग आ चुके थे। अमर नायक के कारनामों के चलते पुलिस अश्विन को उठा लिया करती थी। नीता को अपने पति अश्विन की हत्या का डर सता रहा था।
समय बीत रहा था, अमर नायक अंडरग्राउंड चल रहा था। पुलिस ने अजीत और अश्विन को पुराने दिनों की तरह परेशान करना शुरू कर दिया। नीता जानती थी कि हर बार किस्मत साथ नहीं देगी, जिसके बाद नीता ने अपना मन बना लिया और अश्विन को गैंग में शामिल होने के लिए कहा। नीता जानती थी कि उसका पति अश्विन गैंग में रहकर ही सेफ रहेगा। वो अपने पति को जिंदा देखना चाहती थी। वो समय भी आ गया जब पहली बार मुंबई माफिया में किसी सिविल इंजीनियर ने एंट्री की थी। नीता के पिता हरिलाल जेठवा एक हवाला डीलर था। वो दुबई और दूसरी कंट्रीज में हवाला ऑपरेशन चलाया करता था। अश्विन अपने ससुर हरिलाल की मदद से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था। अश्विन ने कुमार पिल्लाई और हरिलाल की मदद से अपनी गैंग को पूरी तरह मजबूत कर लिया था। गवली गैंग अश्विन गैंग को नीचे लाना चाहती थी। गवली ने अपने ट्रस्टेड आदमी तानाजी उर्फ तानिया कोली को हरिलाल जेठवा को रास्ते से हटाने का काम दिया। 22 मई 1993 को तानिया कोली ने अपने शूटर्स के साथ मिलकर हरिलाल जेठवा को मौत के घाट उतार दिया। ये देख नायक गैंग को एक बड़ा झटका लगा। नीता अपने पिता की मौत को लेकर बेहद रोई। नीता ने अश्विन को कहा कि आज उन्होंने उसके पिता को मारा है, कल को वो कहीं तुम्हें ना मार दे। अश्विन के अंदर अपने ससुर की हत्या को लेकर गुस्सा पनप रहा था। गवली गैंग ने अश्विन पर पर्सनल अटैक किया था। अश्विन उन लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उसकी पत्नी के पिता को मारा। अश्विन इसको लेकर अमर नायक से बात करता है और कहता है उसने गवली गैंग के लोगों को टारगेट करने का प्लान बना लिया है। अमर अश्विन को शांत रहने को कहता है। अमर नहीं चाहता था कि कोई भी केस उसके भाई पर दर्ज हो। अमर नहीं चाहता था उसका भाई उसी रास्ते पर चले जिस पर वो चल रहा है। अश्विन ने अमर से वादा किया कि वो हमले वाली जगह पर नहीं जाएगा, जिसके बाद अमर नायक मान जाता है। हरिलाल जेठवा की हत्या के मामले में तान्या कोहली को टाडा के तहत अरेस्ट कर लिया गया। वो अमरावती जेल में आर्थर रोड जेल के रूप में बंद था। अदालत सुनवाई में तान्या कोहली को पुलिस मुंबई लाती है। उसको ट्रेन में उसी दिन अमरावती जेल ले जाया जाता। अमीरजादा और बड़ा राजन की हत्या के बाद गैंगस्टर्स की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। नायक गैंग के लिए तान्या कोहली को मारना आसान काम नहीं था। अश्विन ने समय लिया और उसने डिसीजन लिया कि तान्या कोहली को पुलिस सुरक्षा में ट्रेन में निशाना बनाया जाएगा जब वो मुंबई से अमरावती जा रहा होगा। 17 सितंबर 1993 को तान्या कोहली को मुंबई सेशन कोर्ट लाया जाता है। उसके साथ सब इंस्पेक्टर दिलीप निरापुरे, कांस्टेबल मनकर और हेड कांस्टेबल भटकर थे। कोर्ट पेशी के बाद वापस पुलिस उसको ट्रेन में लेकर जाती है। तान्या को लगेज कंपार्टमेंट की खिड़की से ही हथकड़ी लगा दी जाती है। जब ट्रेन रात के 9 बजे कल्याण स्टेशन पर पहुंची तो नायक गैंग के शूटर्स ने तान्या कोहली पर हमला बोल दिया। उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। तान्या कोहली हाथ बंधे रहने की वजह से बेबस हो गया। वहीं पर तान्या कोहली की मौत हो जाती है। शूटर्स अपना काम कर वहां से फरार हो जाते हैं। इस सब के बाद गवली गैंग और नायक गैंग में खूनी जंग जारी थी। कोर्ट में अश्विन पर हमला हुआ। कोर्ट में अश्विन पर कैसे हमला हुआ वो हम अश्विन नायक वीडियो में बता चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। कहते हैं नीता नायक और अमर नायक की पत्नी अंजलि नायक दोनों ने चुनाव लड़ा था, मगर जीत सिर्फ नीता को मिली। अंजलि चुनाव में हार जाती है। नीता स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईमानदार थी। इसको देखकर शिवसेना पार्टी नीता से बेहद खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अश्विन को खबर मिली कि नीता का उसी के बॉडीगार्ड के साथ अफेयर चल रहा है। उसका नाम था लक्ष्मण जीमन। वो क्राइम ब्रांच स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड का कमांडो कांस्टेबल था। कहते हैं लक्ष्मण जीमन ने पुलिस फोर्स से 1994 में रिजाइन दे दिया था और चीफ मिनिस्टर नारायण राणे का प्राइवेट बॉडीगार्ड बन चुका था। काम को लेकर नीता चीफ मिनिस्टर राणे से मिलती रहती थी और वहीं नीता की मुलाकात जीमन से हुई। दोनों ने एक साथ समय बिताना शुरू कर दिया। नीता जो अकेलापन महसूस करती थी मानो अब वो दूर हो गया था। अश्विन को नीता के भाई हितेश जेठवा ने ये बात बताई। इसे सुन अश्विन पूरी तरह टूट जाता है। अश्विन ने नीता को चेतावनी भी दी थी, मगर अब ये खबर फैलने लगी थी
जब 2000 में नीता और उसके बच्चे अश्विन से मिलने आए तो अश्विन ने नीता से कहा कि वो उसकी फैमिली की इज्जत मिट्टी में ना मिलाए, मगर कहते हैं नीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जीमन से मिलना नीता का चलता रहा। एक दिन कहते हैं अश्विन की बेटी अश्विन से मिलने आई थी तो अश्विन ने अपनी बेटी को समझाया कि वो अपनी मम्मी को कहे कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। ऐसा कहने के अलावा अश्विन कुछ नहीं कर सकता था। कहते हैं नीता ने अश्विन से जेल में मिलने आना बंद कर दिया और तो और पैसे भी पहुंचाने बंद कर दिए थे। अश्विन गुस्से भरे पत्र नीता को लिखता मगर नीता उसे सीरियस नहीं लेती। अश्विन से मिलने उसके पिता, बहन अलका और बहन का पति सुरेश जेल में मिलने आते रहते थे, मगर नीता के पास अश्विन से मिलने का समय नहीं था। अश्विन नीता से बात करना चाहता था। अश्विन ने यह भी मैसेज पहुंचवाया कि वो तिहाड़ जेल में कपड़े बांटे, मगर नीता ने कहा कि इन कामों के लिए उसके पास ना तो पैसा है और ना समय। तिहाड़ जेल में अश्विन की एक तरह से बेइज्जती हो गई थी। अश्विन ने नीता को ये मैसेज भी पहुंचवाया था कि वो दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच दे ताकि पैसा इकट्ठा किया जा सके, मगर नीता कहती है कि वो अश्विन को कोई पैसा नहीं देगी। नीता को सत्ता का घमंड चढ़ गया था। उसको लगने लगा था कि उसका कोई भी गैंग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो अब अश्विन की धमकियों से डरने वाली नहीं थी। उसको बड़े बड़े नेताओं और बॉडीगार्ड की सपोर्ट थी। नवंबर 2000 को नीता नागपुर से शिवसेना की रैली से लौटकर आ रही थी। जैसे ही वो फ्लैट की दूसरी मंजिल पर पहुंची तो उसने एक आदमी को देखा जो नीता को घूर रहा था, मगर नीता ने उसको देख अनदेखा कर दिया और वो सीढ़ियां चढ़ती चली गई। फिर अचानक नीता ने अपने गिरोह के दो आदमियों को देखा। इससे पहले नीता कुछ समझ पाती, पहले आदमी ने उसके सर में गोली मार दी। नीता को चीखने तक का मौका नहीं दिया गया। ट्रिगर दबाने वाला शख्स सुनील जाधव नाम का व्यक्ति था। कहते हैं मारने के बाद वहां खड़ा सुनील नीता के पास दौड़ा और बोला, वाहिनी माला माफ करा, वाहिनी माला माफ करा, यानी कि भाभी मुझे माफ करना। जो दो और शूटर्स थे उनका नाम था संतोष भालेकर और मनोज पगारकर। नीता को एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी नीता नायक की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।